छपरा समेत बिहार के कई जिलों में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। छपरा शहर की बात करें तो अधिकांश सड़कों और गलियों में जलजमाव है। लोग जैसे तैसे अपने घरों से निकलकर कहीं आ जा रहे हैं। वैसे तो शहर के कुछ इलाकों में सालों भर जलजमाव देखने को मिलता है, पर 3 दिनों से बारिश से आलम यह है कि अधिकांश सड़कें और गलियां जल जमाव से प्रभावित हैं। नाले की सफाई की रिपोर्ट खुल गई है। 3 दिनों की बारिश में आपदा जैसे हालात हैं, जबकि करोड़ रुपए नाले और सफाई के नाम पर शहर में खर्च करने के दावे किए जाते रहे हैं। शहर में 3 दिनों की बारिश में जैसे हालात बने हैं, यदि कोई आपदा आ जाए तो प्रशासन और नगर निगम उससे कैसे निपट पाएगा, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। लगातार बारिश के कारण सरकारी और निजी विद्यालयों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने आपदा सूचना केंद्र की भी स्थापना की है। वहीं दूसरी ओर बारिश की जारी आंकड़ों की बात करें तो सितंबर महीने में अभी भी औसतन कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जल जमाव का आलम यह है कि छपरा नगर निगम भी अपने आप को इससे बचा नहीं पाया है। अब शहर की सफाई आखिर निगम कैसे करेगा, यह देखने वाली बात होगी।